जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार, आप सभी का अपना चैनल राजमार्शल में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ रहे थे SSC MTS का प्रीवियस क्वेश्चन। इसके पिछले क्लास में हम लोग देख लिया क्वेश्चन नंबर 20 तक। सेट नंबर 5/7/2022 का द्वितीय सेट का प्रश्न है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। देखिए प्रश्न दिया गया P/3 Q/5 = R/2, सभी बराबर में पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, P+2Q+3R रेशियो PQ और R का रेशियो पूछ रहा है। देखिए जब बराबर में सभी मान दिया है, इसके बराबर हम कुछ भी संख्या मान सकते हैं, या तो एक भी मान सकते हैं, XYZ या K कुछ भी मान सकते हैं। मान लिया कि एक मेरा है। अब जब सभी बराबर में हम एक मान लिए हैं, तो दोनों को किसी में बराबर कर सकते, किसी दो दो किसी को लेकर हम बराबर कर सकते हैं। तो P/3 = 1 करिए तो कितना है, P/3 = 1। जब एक इधर है तो त्रिशा से गुना होता है, तो P = 3। उसी तरह Q = 5 और R = 2। सभी और बराबर में एक मान लिए तो जितना मेरा राशि नीचे रहेगा वही चलाएगा। ठीक है, P = 3, Q = 5 और R = 2। और सभी का मान बिठा लीजिए, तो P का मान कितना है 3 + Q का मान है 5। अब इधर 2 है तो 5 × 2 = 10, 10 + R का मान है 2 तो 3 × 2 = 6, और PQR अब तीनों जोड़ेंगे 5 × 3 = 8, 8 × 2 = 10। ठीक है, इधर जोड़ेंगे तो 10 × 6 = 16, 16 × 3 = 19 = 10। कुछ तो कॉमन है नहीं, तो मेरा आंसर क्या है, 19 = 10, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए प्रश्न 22 क्या कर रहा है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य इस वस्तु को बेचने पर हुई हानि का 3 गुना है, हानि प्रतिशत क्या है। देखिए कोई व्यक्ति है, एक वस्तु लिया रहा है, मान ली कि हम एक वस्तु लिया तो बेच रहे हैं जितना में, जो भी हम कोई वस्तु हम लेते हैं तो मेरा क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। और किसी वस्तु को हम बेच रहे हैं तो मेरा क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य को CP लिखते हैं और विक्रय मूल्य को SP लिखते हैं। ठीक है, अब प्रश्न कर रहा है कोई वस्तु हम ले आए हैं उसे बेच रहे हैं, तो बेच रहे तो हमको हानि हो रहा है, तो हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य CP - SP। कोई मान लीजिए हम कोई वस्तु 100 रुपये ले आए हैं, 10 पर हानि भी बेच रहे हैं, तो 10 पर हानि यानी इसे 10 रुपये कम भी बेच रहे हैं, तो ये मेरा क्या होगा, 90 रुपये। अब कहेगा ये मेरा क्रय मूल्य हो गया, ये मेरा SP हो गया, दोनों घटाएंगे हमें कितना है, 10 रुपये का लॉस हो रहा है। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है जो भी मेरा हानि हो रहा है, जो SP हम जितना में बेच रहे हैं वस्तु उसे 3 गुना हो रहा है। आप यह दो ही मान सकते हैं, डायरेक्ट इसको ले सकते हैं, SP जितना हम वस्तु बेच रहे हैं कितना हो रहा है, हानि का 3 गुना, जिसके जिसके बलग में का के लग रहा है उसी से गुना करते हैं, तो हानि मेरा कितना हो रहा है, CP - SP। हानि ये मेरा हानि के बराबर हो गया। अब हानि का 3 गुना, 3 से गुना कर दिए, अब SP = 3 गुना करेंगे तो 3 CP - 3 SP। अब SP प्लस में है, सॉरी माइनस में है, इस तरफ आएगा प्लस में होगा, तो कितना 3 × 4, 4 SP = 3 CP। अब CP और SP का रेशियो निकालते हैं, CP/SP। देखिए CP है ना, SP को ले चला यहाँ, तो अब कितना मेरा आ गया, जो 4 4 यहाँ रह गया, और जो 3 CP को बोला में था वो बटा में चला गया 3। अब CP मेरा क्या है 4 और SP आ गया 3, और इसे 2 रुपये में मानते हैं तो क्रय मूल्य मेरा कितना है 4 रुपये, और विक्रय मूल्य मेरा कितना हो गया 3 रुपये। 4 रुपये वस्तु लिया रहे अब बेचने के नाम 3 रुपये में, तो कितना परसेंट हानि हुआ। और कोई वस्तु को हम लिया रहे 4 रुपये में, बेच रहे 3 रुपये में, तो कितना परसेंट हानि हुआ। देखिए इसमें कमी कितना आया है, 4 रुपये में लिया रहा बेच रहे 3 रुपये में, 1 रुपये का कमी हुआ। जो हानि होगा या लाभ होगा वो ऊपर लिखा था बटन में, क्रय मूल्य नीचे लिखा था, क्रय मूल्य कितना है 4 रुपये, 1 रुपये का हानि हो रहा है, क्रय मूल्य कितना है 4 रुपये, परसेंटेज में पूछा है तो 100 100 गुना करते हैं। देखिए हानि प्रतिशत क्या होगा, कितना हानि हुआ है बटा में क्रय मूल्य और गुने 100,
चार से काटना कितना बार हम कटेगा, 25 बार में, यानी 25% का हमको हानि हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 23। देखिए प्रश्न 23 क्या कर रहा है, यदि एक त्रिभुज की तीन भुजाएं 21 सेमी 20 सेमी और 29 सेमी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तीन को भुजा दिया, मान लें कि एक भुजा ए बी और सी है, तीन भुजा, एक भुजा दिया 21 सेंटीमीटर, दूसरा दिया 20 सेंटीमीटर और तीसरा भुजा दिया 29 सेंटीमीटर। हम देख पर हम देखते हैं मेरा कौन सा त्रिभुज है, अगर समकोण त्रिभुज है तो निकालने में क्षेत्रफल आसानी होगा, ना तो हीरो फिल्म लगाना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज है तो सबसे आसान थी क्षेत्रफल निकालने में आसानी होगा, तो समकोण त्रिभुज कैसे पता चलेगा, ये मेरा लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये अथी कर्ण हो गया, एच हो गया। समकोण त्रिभुज का कैसे मालूम चलेगा, लंबाई का स्क्वायर प्लस जो आधार है उसका स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा। लंब कर्ण लिख लेता, लंब आधार, आधार और कर्ण, कर्ण क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अब इसे चेक करते हैं, अगर 21 का स्क्वायर करते हैं कितना का, 441, 20 का स्क्वायर कितना था, 400, दोनों जोड़ कितना का, 841, 29 का स्क्वायर का कितना था, 29 का स्क्वायर भी 841 आता है, यानी दोनों का स्क्वायर के बराबर है, तो मेरा समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुने लंब गुने आधार, लंब गुने आधार 1/2, मेरा लंब कितना है, सबसे बड़ा भुजा जो कर्ण होता है जो समकोण त्रिभुज के सामने होता है। ठीक है, इसको लंब, इसको एक देखिए, अब लंब कर्ण किसको, दोनों में किसी को मान सकते हैं। ठीक है, 21 और 20 इसको मान लीजिए, इसको लंब मान लीजिए, इसको आधार मान लीजिए, दिया लंब कर्ण क्लियर नहीं किया, तब लंब कर्ण सॉरी लंब आधार किसको मान सकते हैं, जो मेरा बड़ा भुजा है वो मेरा कर्ण समकोण त्रिभुज समकोण कोण के अथी सामने होगा। ठीक है, और जो लंब और आधार है इस हम किसी दोनों में किसी 21 को यहाँ भी रख सकते हैं और 20 को यहाँ भी रख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए प्रश्न, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 लंब कितना गुने 21 और आधार कितना है 20, ये काटते हैं तो 10 बार में 21 गुने 10 करते हैं कितना आएगा, 210 वर्ग सेंटीमीटर। जो क्षेत्रफल आता है वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, आयतन आएगा तो घन में आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए प्रश्न क्या कर रहा, यदि x का 35% बराबर 700 का 42% का है तो x का मान क्या है। देखिए एक संख्या मान ली x है, x दिया संख्या, इसका 35% किसके बराबर है, 700 का क्या यानी गुना होता है, क्या मतलब गुना होता है। ठीक है, 700 का 42.5% परसेंट जब बराबर है तो परसेंट कैंसिल कर दिए। अब यहाँ पॉइंट, अब बट्टा में पॉइंट का अर्थ 0 से 0 कैंसिल हो गया, 35 × 70 दो बार में, अब इसको करते हैं कितना आएगा, एक से बराबर 5 × 10 × 2 × 4 × 5 × 4 × 8 850, मेरा एक्स का मान कितना आएगा, 850, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, 200 और 400 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 और 5 से दोनों से विभाजित है। देखिए दो संख्या दिया है, 200 और 400 के बीच ऐसी कितनी संख्या हैं जो 6 और 5 दोनों से विभाजित है। जो ऐसे प्रश्न पूछे
तो दोनों जिस संख्या से दिया हो कि विभाजित है तो इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 30। ठीक है, अब इसे डिवाइड कर देखते हैं। और दूसरा हम देखिए प्रश्न का इसके बीच की संख्या, न तो 200 लेना है न 400 लेना है, जो इस बीच में संख्या आएगा उसी को लेना है। ठीक है, और 200 को 30 से डिवाइड करते हैं, 0 0 कैंसिल होगा, काटेंगे कितना 36 18 मान 0.22 बचा कितना 6 × 2/3 आया। यानी अगर 7 से हम इसे अगर 70 से डिवाइड कर सॉरी इसे अगर 7 से डिवाइड करेंगे 30 में और 7 से हम गुना करेंगे कितना आएगा 7 × 1 = 210। यानी जो एक 210 संख्या आएगा इसका बीच का संख्या कटने वाला है 30 से, तो 6 से तो कट नहीं रहा, यानी 17 संख्या जो है इसका 7 गुना जो संख्या है वो मेरा कट जाएगा। ठीक है, अब 400 को देखते हैं। देखिए जब बीच की संख्या पूछे, जो पहला संख्या हम गुना कर रहे हैं इसको काट रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं इसे, तो जो भी पूरा कट जाएगा उसकी अगला संख्या लेना है। ये तो पूरा कट नहीं रहा तो इससे अगला संख्या लेंगे, जो मेरा पूरा कट जाएगा। और ये पूरा कट भी जाता है तो इसका अगला संख्या लेते हैं क्योंकि बीच का पूछ रहा है। ठीक है, और मान लीजिए ये मेरा 210 दिया हुआ था, तो जो मेरा 7 कटता है तो ये संख्या नहीं लेना है और बीच की संख्या पूछ रहा है तो इसको छोड़ कर लेना है। यानी जो 58 गुना होगा वही संख्या लेंगे। ठीक है, ये तो कट नहीं रहा इसलिए इससे अगला संख्या लिया है 17 संख्या, जो इसका इससे बड़ा है। ठीक है, 210 संख्या वो मेरा कट रहा है। अब 400 में काटते हैं 30 से, 0 0 कैंसिल होगा, 3 बचा कहते हैं 13 कुछ बचेगा 13.13 1 पूर्णांक है, 13 × 1/3 यानी जो 13वां संख्या है वो मेरा पूरा कट जा रहा है। अब ये बीच की संख्या निकलना है तो करना लास्ट संख्या 13 माइनस 7 घटाएंगे प्लस 1। कोई संख्या के लगातार संख्या दी है उसे पूछेगा कितना के संख्या है, मान लेते एक से 1 2 3 4 5 6 7 संख्या दिया है। अब पूछे कितना संख्या है के को संख्या है, तो जो लास्ट संख्या है माइनस और अंतर समान है तो लास्ट संख्या 7 वो पहली संख्या को माइनस करेंगे माइनस और प्लस उसमें एक जोड़ेंगे। अब टोटल कितना होगा, एक में कैंसिल हो यानी टोटल 7 संख्या है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 संख्या हो गया। अब यहाँ भी उसी तरह करेंगे लास्ट संख्या और लास्ट संख्या मिला क्या है 13वां 30 का 13 गुना। ठीक है, ये मेरा पूरा कटेगा तो 13वां और 17वां संख्या मेरा कट रहा है और इसमें से माइनस कर दिए प्लस 1 कर दिए कितना का 13 में से और 7 में से और 7 में से एक जोड़ें तो कितना माइनस का 6 13 में 6 घटा 7 6 13 यानी 7 संख्या है इसके बीच में जो 5 और 6 दोनों से कटेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।